रियल एनालिसिस में लास्ट टर्न पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर एग्जिस्टेंस होती है एडिटिव इनवर्स की तो वो हमेशा यूनिक होती है, जिसमें आपने देखा था कि आपने दो सेट्स का सहारा लिया था, विद द हेल्प ऑफ टू सेट्स आपने पूरा प्रोसीजर को प्रूफ किया था। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम लिखिए लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, देन द सेट, देन द सेट L is equal to X such that X is equal to U plus V, where U belongs to L alpha and V belongs to L beta. लिखिए question. Let alpha and beta be two real number, then the set ये L is equal to X such that X is equal to U plus V, where U belongs to L alpha and V belongs to L beta, is a lower class of real number, is a lower class of real number. इज़ अ लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर, ऐसे समझिए मोटा मोटी कि आपको दिखाना है कि L लोअर क्लास होगा। आप लोअर क्लास शुरू से ही प्रूफ करते आ रहे हैं, लोअर क्लास में आप वही तीन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, कहते हैं L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a कॉमा b दो रेशनल नंबर है, a लेस देन b है, तो अगर b Q में पाया जाएगा तो a भी ऑटोमेटिक कहाँ पाया जाएगा, Q में पाया जाएगा। ए भी कहाँ पाएगा, एल में पाया जाएगा, मतलब लोवेस्ट एलिमेंट एल में पाया जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है एल डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, एल में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। इन तीनों प्रॉपर्टी को जैसे ही आप प्रूव कर देंगे, एल हमारा लोअर क्लास बनाने लगेगा रियल नंबर का। ठीक है, चलिए लिखिए सल्यूशन। सल्यूशन लिखिए, लेट लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, सच दैट, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, सच दैट द सेट, सच दैट द सेट, नीचे से लिखिए L is equal to X such that X is equal to U plus V, where U belongs to L alpha and V belongs to L beta, where U belongs to L alpha and V belongs to L beta. Where U belongs to L alpha and V belongs to L beta. Then, पहली प्रॉपर्टी, then फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट में आप दिखाते हैं L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। देखिए L अल्फा, अल्फा का लोअर क्लास है, L बीटा इज़ द लोअर क्लास ऑफ बीटा, मतलब L अल्फा और L बीटा पहले से उन तीन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। L अल्फा इज़ द लोअर क्लास ऑफ अल्फा, L बीटा इज़ द लोअर क्लास ऑफ बीटा, इसका मतलब L अल्फा और L बीटा पहले से ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए लिखिए, सिंस L अल्फा एंड L बीटा आर ऑलरेडी लोअर क्लास ऑफ अल्फा एंड बीटा, एल अल्फा और एल
एल बीटा ऑलरेडी लोअर क्लास है अल्फा और बीटा के, इसका साफ मतलब होगा दिस इम्प्लाइज देयर मस्ट बी एग्जिस्ट। अगर एल अल्फा और एल बीटा लोअर क्लास है अल्फा और बीटा के, तो इसका मतलब ये उन तीन प्रॉपर्टी को पहले से ही सेटिस्फाई करते होंगे। तीनों प्रॉपर्टी को पहले से सेटिस्फाई करने का मतलब एल अल्फा और एल बीटा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होंगे क्यू के। दिस इम्प्लाइज एल अल्फा एंड एल बीटा, दिस इम्प्लाइज एल अल्फा एंड एल बीटा आर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, क्या यूज़ किया गया? कहा गया एल अल्फा और एल बीटा ऑलरेडी लोअर क्लास है अल्फा और बीटा के, इसका मतलब एल अल्फा और एल बीटा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होंगे क्यू के। अब इस शब्द को पकड़िए, सिंस एल अल्फा एंड एल बीटा आर नॉन एम्प्टी। एल अल्फा और एल बीटा हमारे कैसे सबसेट हैं? नॉन एम्प्टी। कम से कम एक एलिमेंट एल अल्फा में भी पाया जाएगा और एक एलिमेंट एल बीटा में भी। देखिए, ये दोनों लोअर क्लास है तो ये दोनों ऑलरेडी उन प्रॉपर्टीज़ को क्या करते होंगे? सेटिस्फाई करते होंगे। अब आपको केवल इस एल के लिए दिखाना है कि ये एल भी उन प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हमने सबसे पहले कहा एल अल्फ़ा और एल बीटा ऑलरेडी लोअर क्लास है अल्फ़ा और बीटा के, तो ये दोनों एल अल्फ़ा और एल बीटा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होंगे क्योंकि अगर ये दोनों एल अल्फ़ा और एल बीटा नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट तो एल अल्फ़ा और एल बीटा में पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू एल अल्फ़ा एंड वी बिलोंग्स टू एल बीटा सच दैट अगर दोनों को जोड़ दें और ये x के बराबर हो तो ऑब्वियसली ये x कहाँ पाया जाएगा? L में। क्या कहा गया कि जब हम L अल्फ़ा और L बीटा के मेंबर को जोड़ते हैं, L अल्फ़ा और L बीटा के मेंबर को जोड़ते हैं तो जो मिलता है वो L का मेंबर होता है। हमने यहाँ पे भी L अल्फ़ा और L बीटा के मेंबर को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपने आप इस डेफिनेशन से कहाँ का मेंबर होगा? L का। हमने क्या दिखाया? दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू L। अगर x L में पाया जा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट L इज नॉन एम्प्टी। अगर कम से कम L में एक एलिमेंट पाया गया तो इसका क्या मतलब हुआ? L हमारा कैसा सबसेट होगा? नॉन एम्प्टी। अब दूसरी बात हमको दिखाना होगा, L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q कैसे दिखाएंगे? अब वो देखिए, अगेन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? देखिए, अगेन कहा गया एल अल्फा और एल बीटा लोअर क्लास है, ऑलरेडी लोअर क्लास है। अगर ये दोनों लोअर क्लास होंगे तो ये दोनों प्रॉपर सबसेट होंगे किसके? क्यू के। अगेन सिंस एल अल्फा एंड एल बीटा आर प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू आर प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, ये दोनों एल अल्फा और एल बीटा प्रॉपर सबसेट है क्यू के, इसका क्या मतलब होगा? कम से कम एक एलिमेंट ऐसा क्यू में ज़रूर होगा जो एल अल्फा में ना हो, और ठीक ऐसा ही एक एलिमेंट क्यू में ऐसा ज़रूर होगा जो एल बीटा में ना हो, बिकॉज दीज आर प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। मतलब दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू क्यू। क्यू में दो एलिमेंट ऐसे ज़रूर पाए जाएंगे सच दैट जिसमें से एक एल अल्फ़ा में ना हो और दूसरा एल बीटा में ना हो। हमने क्या कहा? एल अल्फ़ा और एल बीटा क्यू के प्रॉपर सबसेट हैं। इसका मतलब क्यू में ऐसे दो एलिमेंट्स ज़रूर पाए जाएंगे जो एल अल्फ़ा और एल बीटा में नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों एल अल्फ़ा और एल बीटा में नहीं है तो जाहिर सी बात है दोनों का सम एल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
हमने कहा एल में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें से एक एल अल्फा में हो, दूसरा एल बीटा में हो। अगर x1 प्लस x2 L में होता तो x1 L अल्फा में होता और x2 L बीटा में होता, लेकिन x1 प्लस x2 अगर L में नहीं है तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि x1 L अल्फा में नहीं है और x2 L बीटा में नहीं है। अगर x1 L अल्फा में नहीं होगा, x2 L बीटा में नहीं होगा, तो दोनों का सम कभी भी L में पाया नहीं जाएगा। बट x1 और x2 कहाँ थे? Q में। और आपको पता है कि दो रेशनल नंबर का सम भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा, Q में एक मेंबर ऐसा पाया जा रहा है जो कि L में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। क्लियर हो गया? इसको कैसे सॉल्व किया गया? एल अल्फ़ा और एल बीटा की हेल्प से हमने एल को प्रूफ किया। हमने पहले एल अल्फ़ा को लिया, एल बीटा को लिया, दिखा दिया एल अल्फ़ा और बीटा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू है। फाइनली हमने दिखा दिया कि इस तरीके से एल भी हमारा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू है। उतारिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट्स उतारना शुरू करिए, उतारिए।
नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए। एक लाइन इसके नीचे से बढ़ा लीजिएगा, हैंस एल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, हैंस एल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आप कहते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए इज लेस देन बी एंड बी बिलोंग्स टू एल, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एल। ये आपको इतना प्रूफ करना होता है, जबकि इतनी सारी बातें आपको इसमें दी गई रहती हैं, ठीक है, कि ए और बी दो रैशनल नंबर होते हैं, ए बी से छोटा है, बी एल में पाया जा रहा है, तो ए भी कहाँ पाया जाएगा, एल में पाया जाएगा, ये आपको प्रूफ करना होता है। देखिए कैसे करेंगे, सिंस बी बिलोंग्स टू एल, बी बिलोंग्स टू एल, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर यू बिलोंग्स टू एल अल्फा एंड वी बिलोंग्स टू एल बीटा, इस एक्सप्रेशन से लिखा गया है। सिंस ए इज लेस देन बी, सिंस ए इज लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए, बी माइनस ए माउथ ओपन है, ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो, ये हमने एज्यूम किया है कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। हैंस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, हैंस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू b की जगह हम लिख रहे हैं u प्लस वी माइनस सी, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b की जगह ये लिखा u प्लस वी माइनस सी, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू u माइनस सी प्लस वी, a इज इक्वल टू u माइनस सी प्लस वी, जहाँ वेयर u माइनस सी, u माइनस सी छोटा होगा u से, क्यों छोटा होगा, आपने देखा यहाँ पे c ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब c कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर हमने u में से कोई पॉजिटिव नंबर निकाल लिया तो वो u से छोटा होगा, दैट इज़ u माइनस सी लेस देन u, सच दैट u बिलोंग्स टू एल वी, यू बिलोंग्स टू एल अल्फ़ा and v belongs to l beta, this implies a is equal to u minus c plus v, where देखिए अभी आपको हम जिक्र कर रहे थे कि l alpha और l beta already lower class है, u minus c और u, यहाँ देखिए u minus c less than u एंड u बिलोंग्स टू l, तो जाहिर सी बात है u माइनस सी भी कहाँ पाया जाएगा, l में, वेयर u माइनस सी बिलोंग्स टू l अल्फा एंड v बिलोंग्स टू l बीटा, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर क्लास ऑफ l अल्फा, l अल्फा की लोअर क्लास से, दिस इम्प्लाइज दैट ए दो मेंबर्स का सम है, ए दो मेंबर्स का सम है जिसमें से एक एल अल्फा में है दूसरा एल बीटा में है, तो वो मेंबर कहाँ होगा, एल में, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू एल, यही आपको प्रूफ करना था कि ए कहाँ पाया जाएगा, एल में पाया जाएगा, ये आपको मिल गया बाई डेफिनेशन ऑफ एल। उतारिए
उतार के। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हमको दिखाना होता है L does not have its latest element in it. L में उसका लेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाएगा। हो गया, लिख लो। हो गया हो तब। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए लेट। देखिए आपको दिखाना है कि L में उसका लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाएगा। L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाएगा तो हम मान लेंगे लेट A बिलोंग्स टू L, B द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। लेट ए बिलोंग्स टू एल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। हम मान ले रहे हैं ए एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जो उसमें पाया जा रहा है। फाइनली जा करके हम अपने अजम्पशन को गलत साबित कर देंगे और दिखा देंगे कि ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, उससे भी बड़ा एक एलिमेंट पाया जाएगा जो कहाँ होगा, एल में होगा। सिंस A belongs to L, A L में पाया जा रहा है, this implies A is equal to U plus B, where U belongs to L alpha and V belongs to L beta. चूँकि आपसे कहा गया कि A L में पाया जाए तो उसका मतलब A को सम ऑफ टू रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पहला L alpha में होगा, दूसरा कहाँ होगा, L beta में। अब देखिए, since L अल्फ़ा और L बीटा तो ऑलरेडी लोअर क्लास हैं अल्फ़ा और बीटा के, तो वो उन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सिंस L अल्फ़ा एंड L बीटा आर लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, L अल्फ़ा और L बीटा अल्फ़ा और बीटा की लोअर क्लास है। अगर लोअर क्लास है तो दिस इम्प्लाइज L अल्फ़ा एंड L बीटा does not have its greatest element in it. तो L अल्फा और L बीटा में उसका greatest element पाया नहीं जाएगा।
अब देखिए, अगर एल अल्फ़ा में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि यू एल अल्फ़ा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। अगर यू एल अल्फ़ा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट यू डैश बिलोंग्स टू एल अल्फ़ा एंड वी डैश बिलोंग्स टू एल बीटा सच दैट, ध्यान दीजिएगा, एल अल्फ़ा में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाएगा, इसका मतलब यू एल अल्फ़ा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर यू एल अल्फ़ा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब एल अल्फ़ा में ऑलरेडी एक एलिमेंट ऐसा पाया जाएगा जो यू से बड़ा होगा। यू डैश इज़ ग्रेटर देन यू, यू डैश ग्रेटर देन यू का मतलब यू एल अल्फ़ा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, उससे भी बड़ा एक एलिमेंट एल अल्फ़ा में पाया गया है जो यू से क्या है, बड़ा है। ठीक इसी तरह से यहाँ लिखेंगे एंड, तो वी एल बीटा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, अगर वी एल बीटा का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा तो उससे भी बड़ा एक एलिमेंट पाया जाएगा एल बीटा में, इस तरीके से कि वी बीटा इज़ ग्रेटर देन वी। दिस इम्प्लाइज, दोनों पक्षों को ऐड करिए, यू डैश प्लस वी डैश ग्रेटर देन यू प्लस वी। दिस इम्प्लाइज यू डैश प्लस वी डैश ग्रेटर देन यू प्लस वी का मतलब ए। हमने क्या देखा कि ए जिसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट मान रहे थे उससे भी बड़ा एक एलिमेंट हमको क्या मिल गया, यू डैश प्लस वी डैश। इसका मतलब यू डैश प्लस वी डैश ग्रेटेस्ट है। अब ये देखना है कि क्या वो एल में पाया जाएगा। हमसे कहा गया एल में केवल वो एलिमेंट पाएंगे जिसका पहला वाला एल अल्फ़ा में हो, दूसरा वाला एल बीटा में हो। यू डैश का पहला वाला एल अल्फ़ा में है, दूसरा वाला एल बीटा में है, इसका मतलब यू डैश प्लस वी डैश बिलोंग्स टू एल। यू डैश प्लस वी डैश एल में पाया जाएगा क्योंकि इसका पहला वाला एल अल्फ़ा में है और दूसरा वाला एल बीटा में है। तो हमने क्या देखा, ए से भी एक बड़ा एलिमेंट एल में पाया जाने लगा, जिसका मतलब ए इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ इट। अगर ए एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो एल का कोई भी एलिमेंट उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स एल डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। ठीक, उतारिए। उतारिए।
हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिखिए, द अबव नहीं लिखिए, इट शोज़ दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, इट शोज़ दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, इट शोज़ दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, फुल स्टॉप. Since all the three conditions are satisfied, the definition of real number. Full stop. Hence, L is a lower class of real number. Hence, L is a lower class of real number. Since all the three conditions are satisfied, the definition of real number, hence L is a lower class of real number. Next likhiye, subtraction in R. Next headline hai, subtraction in R. सब्सट्रैक्शन इन आर. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन डिफाइन करना पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर क्लास. मान लीजिए सब्सट्रैक्शन इन आर, सब्सट्रैक्शन इन आर, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो रियल नंबर हैं, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर हैं, तो आपको बताया गया था रियल नंबर का ऑपरेशन ब्रैकेट का होता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा. ये डिफाइन करने का तरीका है. दैट मीन्स लोअर क्लास ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा. ये तरीका होगा इसको डिफाइन करने का. अगर दो रियल नंबर बराबर हैं तो वो तभी बराबर है जब उनकी लोअर क्लास भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी. लिखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी टू रियल नंबर्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी टू रियल नंबर्स, देन वी डिफाइन ये लिखिए, दैट इज करके ये लिखिए,
हो गया। नीचे से लिखिए, सिंस द सम ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा, सिंस द सम ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा इज़ अ यूनिक रियल नंबर, सिंस द सम ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा इज़ अ यूनिक रियल नंबर, सिंस द सम ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा इज़ अ यूनिक रियल नंबर, फुल स्टॉप, देयरफोर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, देयरफोर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, देयरफोर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर, देयरफोर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन दैट इज ये इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर, इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये सिंपल लिखिए, एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब दो एलिमेंट्स लीजिए, दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाइए, मिलने वाला भी अगर उसी का सदस्य होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। दैट मीन्स कोई भी बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। आपको पता है आपने दो रियल नंबर लिया, दो रियल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो मिलता है वो वापस से क्या होता है? रियल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। थ्योरम इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, देन इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, देन पहला पॉइंट माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा पॉइंट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा, और तीसरा पॉइंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये तीन पॉइंट आपको प्रूफ करना है, लिख लीजिए। चलिए डालिए प्रूफ। पहला वाला ध्यान से देखिए, अल्फा क्या है? रियल नंबर। इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन देखिएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो स्टार। अभी आपने सब्सट्रैक्शन की परिभाषा पढ़ी, आपको पता है किसी रियल नंबर में से अगर सेम रियल नंबर को घटाया जाता है तो कितना आता है? ज़ीरो। हमने इसी डेफिनेशन को ऐसे लिख दिया, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में आपने कहा था कि अगर अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, और इसी बीटा को बाद में चलकर के आप किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो इसका क्या मतलब होगा? दिस इम्प्लाइज दैट
इसका एडिटिव इन्वर्स ये है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, या ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, मतलब माइनस अल्फा का एडिटिव इन्वर्स अल्फा है, माइनस अल्फा का एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा का एडिटिव इन्वर्स माइनस बीटा है, या बीटा का एडिटिव इन्वर्स माइनस अल्फा है, इस वाले को ले लीजिए, जैसे इसको लेंगे मिलेगा माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, लिखिए। ठीक है, लिखिए, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर देन बाय डेफिनेशन ऑफ, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर देन बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स कॉमा वी हैव, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स कॉमा वी हैव, ये लिखिए, नीचे से लिखिए, वेयर जीरो स्टार बी द एडिटिव आइडेंटिटी, वेयर जीरो स्टार बी द एडिटिव आइडेंटिटी, वेयर जीरो स्टार बी द एडिटिव आइडेंटिटी, नीचे से लिखिए, हैंस, हैंस, इसका भी यहाँ मतलब बताएं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, हमने ये एक्सप्रेशन लिया तो मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, और जैसे ही बीटा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है, नीचे से लिखे, हैंस, हैंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस अल्फा इज अल्फा, हैंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस अल्फा इज अल्फा, हैंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस अल्फा इज अल्फा, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज, ये माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, हैंस माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड, यहाँ देखिए, अगर हम किसी तरह से दिखा दें माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, देखिए क्या मतलब हुआ, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार, तो क्या मतलब हुआ, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है या ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा,
तो अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा तो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स था तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स है तो इतना इज इक्वल टू माइनस इतना, तुरंत आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, लिखिए, लेट इसका मान निकालने चल रहे हैं, इसका और इसका। लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखिएगा कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो मिलेगा बीटा प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ इज इक्वल टू, एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए तो मिलेगा बीटा प्लस, ये इधर आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ लगा रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ में बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इज इक्वल टू बीटा प्लस जीरो स्टार प्लस माइनस बीटा, किससे लगाया गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इन दोनों का इनवर्स मतलब जीरो स्टार। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो मिलेगा इज इक्वल टू बीटा में जीरो को ऐड करेंगे तो वही बीटा प्लस माइनस बीटा, किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और तुरंत ये किसके बराबर होगा, जीरो स्टार के एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब देखिए नीचे से क्या मिलेगा, हैंस आप कह सकते हैं, हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार, इक्वेशन नंबर वन। ठीक इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कि माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार, ठीक इससे आप ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ये दोनों प्रूफ होगा आप कंबाइंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आपको ये मिल जाएगा, ये कंबाइंड करते ही ये मिलेगा और उससे तुरंत आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। पहले उतारिए यहाँ तक, यहाँ तक उतारिए, उतारिए, उतारिए।
हो गया भाई, जल्दी लिखिए। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। इट शोज दैट, इट शोज दैट, इट शोज दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इट शोज दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखिएगा, इज माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, इज माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, इज माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। नीचे से लिखिए दैट इज, दैट इज, ये रिजल्ट लिख लीजिए, दैट इज, ये रिजल्ट लिखिए, दैट इज, ये रिजल्ट। तीसरा पॉइंट, तीसरे पे लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट। देखिए तीसरे में एक साइन बना है विच इज़ द इफ एंड ओनली इफ साइन। इसका क्या मतलब, पहले वाले को ट्रू मानेंगे दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे, दूसरे वाले को ट्रू मानेंगे पहले वाले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, बारी बारी से चलिए लिखिए। थर्ड पॉइंट में देखिए, इफ पहले हम मान रहे हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार, इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार, तो आपको दिखाना होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देखिए दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस माइनस बीटा, दोनों तरफ बीटा को ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू जीरो स्टार प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव रॉ लगाएंगे तो अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार प्लस बीटा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिव लॉ। जब भी तीन एलिमेंट होते हैं तो एसोसिएटिव लॉ, दो एलिमेंट होते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ, एक दो तीन, तीन एलिमेंट है देन वी विल यूज एसोसिएटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस जीरो स्टार इज इक्वल टू जीरो स्टार प्लस बीटा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सब आपका पहले बीएससी में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में, बस वहाँ पे ग्रुप थियोरी के डेफिनेशन से था। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए। कन्वर्स पार्ट में कैसे करेंगे, कन्वर्स पार्ट में ठीक इसका उल्टा मान लेंगे। उल्टा क्या मान लेंगे, मान लेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो कंडीशन को प्रूफ करके दिखाएंगे। कन्वर्सली, कन्वर्सली मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, कन्वर्सली लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन देखिए क्या मिलेगा, देन अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस माइनस बीटा। हमने दोनों तरफ माइनस बीटा को ऐड कर दिया तो आएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो स्टार बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। नीचे से लिखिए, हैंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हैंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उतार डालिए, उतारिए।
एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड उतार लीजिए. हो गया भाई? ठीक है, अब कल हम आप लोगों को इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे. नेक्स्ट थ्योरम के साथ शुरू करेंगे. ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे.